यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी और सी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वन, यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे वाई, ठीक है। इसी वाले फॉर्मूला पर लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ए और बी, क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी लिखेंगे ना, सॉरी ए बी माइनस ए बी। तीन विधि पढ़ना था तो तीन विधि में से एक विलोपन क्या था, प्रतिस्थापन विधि, क्या था, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा क्या था, विलोपन विधि, और तीसरा वज्र गुणन विधि। तो जिसमें से हम लोग क्या पढ़ लिए थे, पहला पढ़ लिए थे प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ लिए थे इसके पहले, और विलोपन विधि भी पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि। और ये देखने में बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड है, बट अगर कंसेप्चुअल पढ़ाया जाए तो कुछ हार्ड नहीं है, और इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है ताकि बच्चों को ये कंसेप्ट जो है ना समझ में ही नहीं आता है। ये कंसेप्ट कुछ उल्टा पुल्टा है, तो है बहुत आसान लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम इसको करें कैसे। या तो फॉर्मूला रटना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई टेक्निक तो लगाना पड़ेगा। देखते हैं कि किस टेक्निक से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पढ़ा था यहाँ पे कि ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, मतलब क्या है कि सी को आपको क्या रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है, ज्यादा सही रहेगा। तो जहां दिखेगा राइट साइड में है, आप इसको खींच के लाइएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस विधि के लिए। उस विधि में तो ठीक था वो चीजें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है, इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है तो ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और सी टू, बात आ गई समझ में। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी और सी, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे वन, यहां लिखेंगे एक्स, यहां लिखेंगे वाई, ठीक है। इसी वाले फॉर्मूला पर लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ए और बी, क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी लिखेंगे ना, सॉरी ए बी माइनस ए बी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी, तो बी सी माइनस बी सी, और सी ए क्या हम लिखेंगे, सी ए, यहां से सी से जा रहा है ना, सी ए माइनस सी ए हो सकता है। चलिए तो यहां पे क्या करें, पहले क्या लिखेंगे, ए बी दो बार, बी सी दो बार, फिर अभी वहां से उल्टा आएंगे ना, तो उल्टा आएंगे तो क्या हुआ, सी ए दो बार, बात समझ में आपको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे वन टू टू वन, वन टू टू वन, वन टू टू वन, बात समझ में आ गया आपको। चलिए उसके बाद ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। और फॉर्मूला बन गया, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ए बराबर कितना जाएगा, दो, बी बराबर कितना जाएगा, तीन, सी बराबर कितना जाएगा, माइनस का पांच, इतना बात समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए टू, ए टू बराबर कितना हो गया, पांच, बी टू बराबर कितना जाएगा, दो, और सी टू बराबर कितना जाएगा, माइनस का सात, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां पर लिखना है वन, ए और बी, ए और बी, ठीक है, ए वन बी टू, ए वन बी टू, तो दो दूना चार, माइनस ए टू बी वन, तो पांच क्या कितना हो जाएगा, पांच पंद्रह, कोई दिक्कत। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाला वैल्यू लिख लेंगे, एक्स बी वन सी टू, तो बी वन सी टू, तो सात का इक्कीस, माइनस इक्कीस, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे, बी टू सी वन, तो बी टू सी वन, पांच दुना दस, माइनस का दस, ठीक। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई लिख लेंगे, सी वन ए टू, तो सी वन ए टू, सी वन ए टू माइनस पच्चीस, माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी टू ए वन, तो सी टू ए वन, तो सात दुना चौदह, माइनस चौदह, ठीक है। चलिए याद रखते हैं क्या होगा, एक बट्टा में माइनस ग्यारह, ठीक है, इसमें मिला लीजिए एक बार, तो फिर गड़बड़ तो नहीं जा रहा ना, ठीक है।
अब देखिएगा x बराबर माइनस का 31 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10। एकदम जा रहे हैं, सही जा रहे हैं लोग, यहाँ पे 11 लिखने का सही जा रहे हैं 10। ठीक है, माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस 14, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 1 बट्टा में माइनस 11, यहाँ पे x बट्टा में क्या हो जाएगा माइनस 11 आ जाएगा ना, फिर आ जाएगा यहाँ आ जाएगा y बराबर माइनस 11, एग्जैक्ट सही। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे 1 बटा 11 माइनस 11 बराबर क्या कर देंगे x बटा में माइनस 11 हो रहा है ना, तो ये कट हो गया, क्या निकल गया x बराबर 1 यानी x बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसी तरीके से करेंगे y 1 बाई माइनस 11 बराबर वाई बाई माइनस 11। ठीक है, तो सीधे सीधे बात कर लेते हैं इसको, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकल गया 1, तो 1 बराबर 1 तो ये माइनस माइनस ये भी माइनस ये माइनस कैंसिल, 11 से 11 खत्म। नहीं समझो, चलिए एक बार और कर लेते हैं, माइनस 11 बटा में माइनस 11 माइनस माइनस खत्म, 11 का 11 कहां बचा, बात समझ में आया। तो यानी कि हमारा दो चीज निकल, x का वैल्यू निकल गया 1 और y का वैल्यू निकल गया 1, यानी दो तीनों केस से हम लोग बनाए, तो सब केस में क्या आंसर आया हमारा, एक ही आंसर आया। ठीक है, मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 संपाति रेखाओं को प्रदर्शित करती है। तो संपाति रेखा का मतलब क्या होता है, संपाति को जब कब रेखा बनता है, या a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यानी कि सबके सब रास्ते अगर क्लियर है तो क्या बनेगा आपको, संपाति रेखा बनेगा, बनेगा ना। तो संपाति का मतलब सबके सब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसी तरीके से हमारे पास जो समीकरण है, क्या लिखा है, x प्लस 2y बराबर 3, उसके बाद क्या लिखा है 3x प्लस ky बराबर 9। तो आप किसी एक को ले सकते हैं, कैसे बैठाइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है 1/3, क्योंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं आप। देखिएगा k में एक से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, k और 3 × 6, यहां से जब क्या आंसर निकल जाएगा, या फिर यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको मिटा दीजिएगा तो क्या लिखा है c1 बाई c2, 3 × 3 3 × 3 = 9, क्या बचा आपके पास, नहीं सुनिए क्या लिखा है 2/k और 1/3, तो 3 × 6 के बराबर क्या आ गया 6। तो कोई भी कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, तीनों दूसरे के बराबर ही है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला कह रहा है यदि, ठीक है बेटा इसको, ठीक है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सही कुछ कह रहा है, यदि a1 बाई a2 यदि यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 तो समीकरण समीकरण निकाय निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। बात समझ में आया, होगा। अब क्या हल होगा इसका, आपके पास ऑप्शन है, अद्वितीय हल होगा, यहां पर लिखा है ऑप्शन में अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा, बी नंबर में कोई हल नहीं, क्या लिखा है कोई हल नहीं, और सी नंबर में क्या दिया है कि अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर? अब आप बताइए तो सीधे सीधे आपको आंसर दिख रहा होगा, ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू। मतलब क्या है, इसके तीनों रास्ते खुले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हल कितने बनेंगे? अनगिनत हल बनेंगे। अनगिनत हल मतलब यानी कि सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का है, युग्म समीकरण, क्या लिखेगा? युग्म समीकरण, युग्म समीकरण, ठीक है, 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। ऑप्शन आप ले लीजिए, ऊपर से ही ले लीजिए, चाहे ऊपर से मत लीजिए, इसका हम हल कौन सा है? ये 4y है, ठीक है ना, देखिएगा। अब आपका हल क्या होगा? ए में कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं। बी में कह रहा है इसका एक हल है। सी में कह रहा है इसके दो हल होंगे, ठीक है। और डी में कह रहा है अनगिनत हल होगा। अब आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा, बहुत ही आसान काम है इसका बनाना, बताइए जल्दी बताइए तो। अनगिनत हल होगा। देख लेते हैं अनगिनत हल होगा कि क्या होगा। सीधे सीधे पहले आपको क्या करना है कि 2x यहाँ पे कर लीजिए ना, x वाला वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू है, b1, ये क्या हो गया c1, ये क्या हो गया a2 b2 और c2। क्योंकि x वाला वैल्यू बाद में दे दिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि b1 वहां पे हो जाएगा, नहीं होगा। तो a1 बाई a2 यानी कि 2/6 और 4/12 और c1 बाई c2 3/6। बात समझ रहे ना आप? दो एकम दो, दो तीन छ, चार एकम चार, चार तीन बारह, तीन एकम तीन, तीन दो छ। एक बार समझिएगा, 1/3 बराबर नहीं 1/2। अब बताइए कि इसका क्या हल होगा? इसका दो हल होगा। हमने क्या बोला था, यहाँ पे अगर है तो यहाँ से हिलने के लिए नहीं हिल पा रहा है तो मर जाएगा, एक हल होगा। अगर ये दरवाजा हिल के यहाँ आ गया, ये दरवाजा नहीं खुलेगा तो कोई हल नहीं बना, मरेगा वापस जाएगा। यानी कि मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला दरवाजा बंद है तो कोई हल नहीं है, यानी इसमें से क्या लिखेंगे हम लोग, कोई हल नहीं, ठीक है। हमने कल समझाया था ना तुम लोग को कि फर्स्ट दरवाजा अगर बंद है तो मर जाएगा, क्योंकि उसको उम्मीद टूट जाएगी। अगर फर्स्ट दरवाजा चला जाएगा तो सेकेंड दरवाजा उसको खुलना है, तो उसको क्या चाहिए, खुलना चाहिए, नहीं खुलेगा तो इंतजार करेगा, यानी कि कोई हल जब तक नहीं आती है या नहीं जाता तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन फटाफट लिखिएगा, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म, लिखिए आप लोग रैखिक समीकरण युग्म 2x-3y x से लिख दे रहा हूं, देखिए रैखिक समीकरण युग्म 2x-3y प्लस 2 = 0, ठीक है। 6x-9y प्लस 5 = 0 के लिखे, क्वेश्चन लिखे के कितने हल होंगे। चलिए यहां पे ऑप्शन में लिखिएगा, ए में लिखिएगा एक और केवल एक हल। बी में लिखिएगा कोई हल नहीं।
सी में लिखिएगा अनगिनत हल, अनगिनत हल, और डी में लिखिएगा, डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसमें लिख लेते हैं। इसमें से क्या करना है, सीधे सीधे करना है, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू दिया है ना, तो दो बट्टा कितना लिखिएगा, छ बराबर माइनस तीन बट्टा माइनस नौ बराबर दो बट्टा पांच। तो एक चीज समझो कि यहाँ पे ये वाला लास्ट में देखने की कोशिश करो, ये तो दोनों वैल्यू बराबर है क्योंकि दो एकम दो तीन छ, माइनस माइनस करो तीन एकम तीन, तीन दूनी छ, ठीक है। तो ए वन तो तीन त्रिका नौ होगा, तीन त्रिका नौ होगा, एक बट्टा तीन, एक बट्टा तीन और दो बट्टा पांच, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका क्या हल निकलेगा, इसका कोई हल नहीं है। ओके, आई होप कितना समझ में आ गया।